press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. हेलो गाइस, आज हम जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं वो है कि यूपीएससी के अंडर में कौन कौन से ऐसे कॉलेजेस हैं जो कि यूपीएससी के अंडर में आते हैं, वो प्राइवेट हो या फिर गवर्नमेंट कॉलेज, दोनों कॉलेजेस के बारे में आज हम जानेंगे। तो अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर लो, इससे हमारा मोटिवेशन बढ़ता हो और हम आगे वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट होते हैं। तो और कोई चीज़ अगर आपको ना समझ में आए जो वीडियो में छूट गई हूँ बताने से, तो आप स्क्रीन पर, मैं इसलिए आपको पर्सनल नंबर दे दिया हूँ, आप वहाँ से कॉल करके हमसे बात कर सकते हैं। लेकिन शर्त बस इतनी है कि आपको हमारा चैनल सब्सक्राइब करना है और अपने दोस्तों में शेयर करना है। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं कौन से गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेज हैं जिनमें हम एडमिशन ले सकते हैं, लेकिन उसके लिए भी कुछ शर्तें हैं, उस शर्तों को भी हम आगे बताएंगे। तो चलिए देखते हैं, सबसे पहले हम बात करेंगे IIT लखनऊ। लखनऊ का ये बहुत ही अच्छा कॉलेज है और ये गवर्नमेंट कॉलेज है, ठीक है। अगर आपको इसमें एडमिशन मिलता है तो आप आराम से एडमिशन ले सकते हो और इसका CSIT का प्लेसमेंट जो है वो बहुत ही अच्छा होता है, तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली। उसके बाद जो कॉलेज है वो है KNIT, कमला नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ये है सुल्तानपुर में। ये भी काफ़ी अच्छा कॉलेज है, गवर्नमेंट कॉलेज है। अगर आपका इसमें एडमिशन होता है तो आप इसमें भी एडमिशन ले सकते हो। उसके बाद जो कॉलेज है वो है BIET, ये बुंदेलखंड झांसी में है, काफ़ी अच्छा कॉलेज ये भी है। अगर आपका एडमिशन इसमें होता है तो ये ले सकते हो, ये भी गवर्नमेंट कॉलेज है। उसके बाद सबसे पहला जो प्राइवेट कॉलेज JSS है, ये नोएडा में है और काफ़ी अच्छा कॉलेज है। इसमें भी प्लेसमेंट जो होती है CSIT की स्पेशली काफ़ी अच्छी होती है। अगर CSIT में आपको लेना है तो आप JSS चूज़ कर सकते हो। उसके बाद जो कॉलेज है वो है गलगोटिया कॉलेज, ये भी काफ़ी अच्छा कॉलेज है और ये कॉलेज एक तरीके से प्राइवेट कॉलेज है और ये ग्रेटर नोएडा में है, काफ़ी अच्छा ये भी कॉलेज है। मैं आपको एक बार और बता देता हूँ, इसमें भी प्लेसमेंट ठीक ठाक हो जाती हैं एज़ कम्पेयर टू अदर गवर्नमेंट कॉलेजेस। तो ये प्राइवेट कॉलेज के, ये दोनों JSS और गलगोटिया अच्छे कॉलेजेस हैं। तो ये सिर्फ नहीं है कि किसी भी आप गवर्नमेंट कॉलेज में ले लीजिए या प्राइवेट कॉलेज में ले लीजिए, आपको टॉप 10 में देखना पड़ेगा वो कॉलेज आता है कि नहीं, चाहे वो गवर्नमेंट हो या चाहे वो प्राइवेट कॉलेज हो, दोनों आपको देखना पड़ेगा। तो इसी चीज़ के बारे में और हम डिटेल में आगे बात करेंगे। एक बार और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज़ अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए देखते हैं आगे कौन सी कंडीशन है। अगर आपको टॉप 5 या टॉप 10 गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन मिल रहे हैं, ऑलमोस्ट आप अगर AKTU में देखेंगे तो AKTU में जो है कि वो टॉप 5 ही में आप एडमिशन लीजिएगा, नहीं तो आप मत लीजिएगा। उसके बदले आप किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज में, टॉप गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन ले लीजिएगा, उससे बेहतर होगा कि आप गवर्नमेंट से बेहतर होगा कि आप प्राइवेट में लें। लेकिन अगर आपको टॉप 5 में मिलता है तभी लें, स्पेशली CSIT के लिए काफ़ी अच्छा माना जाता है गवर्नमेंट कॉलेज। और उसमें एक और चीज़ आती है कि आपको अगर गवर्नमेंट प्रिपरेशन करनी है एग्ज़ाम की तो गवर्नमेंट कॉलेज में थोड़ा ईजी होता है, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा क्लासेस नहीं चलती, ज़्यादा टीचरों से मतलब नहीं होता, इसके बारे में भी हम आगे बताएंगे। तो इस मतलब आपको सबसे पहले तो ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि आपको टॉप 5 में गवर्नमेंट कॉलेज चूज़ करना है और टॉप 5 में आपका प्राइवेट कॉलेज चूज़ करना है, ठीक है। इन दोनों को चूज़ करने के बाद आप किस चीज़ का ध्यान रखेंगे, चलिए उस पर बात करते हैं। देखिए भाइयों और उनकी बहनों, बहुत ही ज़रूरी होता है सबसे पहले आपका फ्यूचर डिसाइड करना कि फ्यूचर में आप क्या करना चाहते हो। अगर आप किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो आपके लिए गवर्नमेंट कॉलेज बेस्ट है। लेकिन बेस्ट का क्या मतलब है कि आप किसी भी सिटी में मत एडमिशन ले लीजिएगा, टॉप 5 कॉलेजेस हैं तो वो किसी भी सिटी में ले लीजिए। लेकिन अगर आप किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज में या किसी भी प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो सबसे पहले आप ये सोचिए कि वो कॉलेज मेगा सिटी है कि नहीं, वो कॉलेज में कंपनियां हैं कि नहीं। अगर आप पुणे में, महाराष्ट्र में, बेंगलुरु में, हैदराबाद में, ग्रेटर नोएडा में, दिल्ली में अगर यहाँ पर एडमिशन लेना चाहते हो तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि अगर आप यहाँ पर एडमिशन लेंगे तो यहाँ पर बहुत सारी कंपनियाँ हैं, IT की हो या फिर CS की हो या फिर कोई भी अदर कंपनीज़ हो, सारी कंपनी जिस सिटी में मौजूद है। तो आपको सिटी का बहुत ही अच्छे से ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज की बात कर लें तो गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ाइयाँ बहुत कम होती हैं, टीचरों से उतना मतलब नहीं होता, वहाँ पे जो होता है कि क्लासेस उतनी नहीं करनी होती है, आपको बहुत अच्छा खासा टाइम मिल जाता है आपको प्रिपरेशन करने के लिए, एग्ज़ाम का प्रिपरेशन, जो भी आप गवर्नमेंट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर
करते हैं उसकी प्रिपरेशन करने के लिए, क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेज में टीचर भी वैसे होते हैं और बच्चे भी वैसे होते हैं, उनको सैलरी आती रहती है गवर्नमेंट की तरफ से और बच्चों को भी क्लास करने का मौका नहीं, मतलब उनको बस मौका चाहिए छुट्टी और घूमने का। मैं ये थोड़ी तल्ख बातें कर रहा हूँ, लेकिन आफ्टर एडमिशन ये सब चीज़ें देखने को मिलती हैं। पहले से लोग बहुत कहते हैं कि हम ये फाड़ देंगे वो फाड़ देंगे, लेकिन जब एडमिशन होता है धीरे धीरे जितना भी फाड़ना होता है सब भूल जाते हैं, अपना जीएफ के साथ और बीएफ के साथ अपना घूमना शुरू कर देते हैं। तो अगर आपको गवर्नमेंट प्रिपरेशन करनी है गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तो बहुत अच्छा है, आप गवर्नमेंट कॉलेज ले लीजिए, लेकिन आपको प्लेसमेंट लेना है, अपने घर का सपना पूरा करना है, अपने मम्मी पापा का सपना पूरा करना है, अपनी पढ़ाई करनी है, आपका करियर बनाना है। अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी नहीं करनी है तो आपको प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना चाहिए। मैं बताता हूँ कैसे। गवर्नमेंट में आप जाओगे तो आपका ना टीचर से कोई मतलब रहेगा, वो भी सिलेबस पूरा करा देंगे, आप सिलेबस पूरा कर लोगे, एग्ज़ाम दे दोगे, पास हो जाओ। लेकिन प्राइवेट कॉलेज की दुनिया बहुत ही अलग है। सबसे पहले मैं आपको शुरू करता हूँ कि क्लासेस कैसे शुरू होती हैं। आप जाएंगे, सबसे पहले आपको 9 से 5 रोज़ क्लासेस करनी होती है, किसी किसी कॉलेज में तो सैटरडे को भी क्लासेस करनी होती है। बहुत सारे कॉलेजेस में ऐसा होता है कि सैटरडे संडे ऑफ होता है, बहुत सारे कॉलेजेस में ऐसा होता है कि सैटरडे को भी पढ़ाइयाँ होती है। तो सबसे पहले तो आपको क्या कहते हैं, आपका 9 से 5 क्लासेस करनी होती है, उसके बाद 95% अटेंडेंस पूरी करनी होती है, उसके बाद आपको बहुत सारी फाइलें बनानी होती है, आपको रोज़ असाइनमेंट दिया जाएगा, आपको होमवर्क दिया जाएगा, इतना काम करा दिया जाएगा कि इंसान पागल हो जाता है। तो इसीलिए कम जो प्राइवेट कॉलेज में प्लेसमेंट का चक्कर होता है वो काफ़ी अच्छा होता है एज़ कम्पेयर टू गवर्नमेंट कॉलेजेस के कंपेयर में। और आप ग्रेटर नोएडा की बात कर ले तो ग्रेटर नोएडा में पूरा गवर्नमेंट इंडस्ट्रियल हब बना दिया, यहाँ पे बहुत सारी कंपनियाँ हैं, आप किसी भी कॉलेज में एडमिशन लें, वहाँ पे कंपटीशन इतना अच्छा होता है कि हमारा कॉलेज सबसे आगे होना चाहिए, हमारे कॉलेज में के बच्चे टॉप करने चाहिए अपने इलाके में। तो ग्रेटर नोएडा में बिल्कुल सिर्फ कॉलेजेस गवर्नमेंट ने बनाए, तो वहाँ पे पढ़ाई का बहुत अच्छा माहौल है, पूरे इंडिया से लोग आते हैं, तो वहाँ पे आप एडमिशन लेते हो तो बहुत अच्छा होता है। और प्राइवेट कॉलेज में प्लेसमेंट का काफ़ी अच्छा चांस होता है, और गवर्नमेंट कॉलेज में मैंने आपको पहले ही बता दिया कि क्या चक्कर होता है। तो सारी चीज़ें मैंने आपको समझा दी, जितने भी मेरे अंडर में मेरे समझ में जितनी भी चीज़ें थी। बाकी अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो तो मैं आपको अपना पर्सनल नंबर दे दिया हूँ स्क्रीन पे, आप वहाँ से कॉल करके हमसे बात कर सकते हो, जो भी चीज़ें पूछनी हो पूछ सकते हो, किसी कॉलेज के बारे में जानना है वो भी जान सकते हो, ठीक है। लेकिन बदले में आपको बस इतना करना है कि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर लो, इससे हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और हम आगे वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट होते हैं। हम ये बात हर वीडियो में आपको इसीलिए बोलते हैं ताकि आप हमारा दिल से सपोर्ट कीजिए। तो थैंक यू सो मच, किसी और वीडियो में मिलते हैं और आपको किसी और चीज़ के बारे में जानकारी देते हैं। तब तक के लिए बाय, शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत।